वही आदमपुर उपचुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस को मिले वोट प्रतिशत से कांग्रेस ने संतुष्टि जताई है। पार्टी को मिले लगभग 40% वोट को पार्टी ने बेहतर माना है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने बयान दिया, उपचुनाव परिणाम ने कांग्रेस के लिए साल 2024 के विधानसभा में जीत के दरवाजे खोल दिए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कांग्रेस नेता किरण चौधरी और साथी कुमारी शैलजा को निशाने पर लिया और कहा कि उपचुनाव में प्रचार के लिए शैलजा का न आना ये और इस तरह से मीडिया से बातचीत करना, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात न कहना ये गलत है। हालांकि उनका आना कोई जरूरी भी नहीं था। उदयभान की ओर से कहा गया कि कुमारी शैलजा को आदमपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए बार बार बुलाया गया लेकिन वो खुद की नहीं आई। इसके साथ ही उदयभान ने किरण को लेकर भी जो बयानबाजी उनके सामने आई उसे लेकर नसीहत दी, संयम में रहने की सलाह उनकी ओर से दी गई। इतना ही नहीं जेपी की ओर से भी किरण और शैलजा दोनों को ही निशाने पर लिया गया। रणदीप सुरजेवाला जो थे नहीं कर्नाटक में, वो तो यहाँ पर थे ही नहीं। और शैलजा जी बहन जी को तीन बार तो मैंने कहा, दो बार दिल्ली में कहा, एक बार चंडीगढ़ भी कहा, उनको फ़ोन करके उनसे टाइम मांगा, डेट मांगी, उनके मैं बताऊंगी। जयप्रकाश जी उनके घर गए, तो भी कहे मैं देखूंगी, मैं आऊंगी। अब कोई उन पर कोई उनकी परिस्थितियाँ होंगी कि वो नहीं आ पाई। तो किरण चौधरी मेरी तो नेता नहीं है, नहीं मतलब पार्टी की। किरण चौधरी, अब आप ये कहो किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने, जहाँ तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारे पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं। और किरण चौधरी मैं अपने आप से कोई उसे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता कि जो किरण चौधरी के बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। हमें ये उम्मीद है कि दो साल बाद 2024 में जो चुनाव होगा इसी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2014 में ये हचका से थे, हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था उसकी 10,000 वोट आई थी, अब 52,000 वोट आई है, 5 गुना वोट की बढ़ोतरी।